टेढ़ा करते हैं, हम आपको सीधी करके ही रहेंगे। भगवान कृष्ण ने त्रिवंगा के पैर पर पैर रखा, किशोरी जी का स्मरण करते हुए थोड़ी सी हल्का सा झटका लगाया और सुंदरी बन गई। जाकि कृपा सुख ज्ञानी भय, ज्ञानी सो ध्यानी भय त्रिपुरारी, जाकि कृपा विद वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी, जाकि कृपा सो त्रिलोक धनी सो कहावत है मृगचंद बिहारी, हमरे को काज करेंगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी। किशोरी का स्मरण करते हुए जैसे हल्का सा झटका मारा, वो युवती बन गई और इतनी सुंदर बनी, इतनी सुंदर बनी सही में। किशोरी राधिका रानी के बाद दूसरा उनका नंबर था। ब्रज की गोपी आरोप भी लगाने लगी कि अब हमको याद क्यों करता होगा, अब तो वहां जाकर नई सहेली बना लीजिए, राधे 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 राधे। जैसे ही शीशे में रूप देखा अपना, त्रिवंगा ने कहा प्रभु रूप तो दिया है, निरोगी काया तो बनाया है, मुझे अब सेवा का अवसर दें। कहने का तात्पर्य है परमात्मा ने जो हमको चोला दिया है, मानव का चोला, ये 84 लाख योनि भोगने के उपरांत दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जेन जाए परलोक सवारा, ये मानव का जो चोला है हमको परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, कुल का कल्याण करने के लिए, पितरों के कल्याण के लिए मिला है। और तभी धन्य है तब इसको परमात्मा की सेवा में लगाया जाए, समाज की सेवा में लगाया जाए, परहित में लगाया जाए, तभी मानव जन्म लेना धन्य माना गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। खाना पीना विषय भोग करना लड़ना झगड़ना कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं। मैंने बताया चींटी के सामने चीनी डाल दे खाने लगती है, नमक डाल दे मिर्च डाल दे बोलो ना खाएगी क्या, नहीं खाएगी ना। तो जीव का स्वाद लेना तो चींटी भी जानती है। अगर हमने चाउमीन बर्गर डोसा क्या बनाया था कल, दमालू पनीर टिक्का, अरे बड़े जन कौन कौन से व्यंजन बन रहे हैं राधे राधे। तो मानव शरीर मिलता है प्रभु प्राप्ति के लिए, इसलिए मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, उसमें भी त्रिवंगा ने कोजा ने भी भगवान से वरदान मांगा इस शरीर को सेवा का अवसर दें। परमात्मा ने कहा ठीक है, पहले मामा से मिलना है, समय मिलेगा तो तुम्हारे यहां भी सेवा करेंगे, सेवा का मौका देंगे। आगे बढ़े, पहले गेट पर हाथियों को लेकर पहलवान खड़े हुए हैं। कन्हैया जी ने कहा भैया हाथियों को हटाओ, हमें अपने मामा से मिलना है, अरे पापी अरे दुष्ट हो, पहले युद्ध करना पड़ेगा हाथियों से। लोहे की छड़ जैसे ही हाथी में मारी, हाथी कृष्ण बलराम की ओर दौड़ने लगे और तुरंत देखते ही देखते भगवान पर हावी हो गए। भगवान कृष्ण बलराम ने देखते देखते हाथियों के सोनों को पकड़ के पछाड़ कर फेंक दिया। भगवान दूसरे गेट पर जैसे पहुंचे, बड़े बड़े पहलवान धनुष को लेकर खड़े हैं कि पहले इस धनुष को उठाओ, धनुष को तोड़ो, तब आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण बलराम ने देखते ही देखते धनुष को भी उठाया, तोड़कर एक तरफ फेंक दिया। तीसरे गेट पर जैसे पहुंचे, चाणक्य मुष्टिक नाम के बड़े बड़े पहलवान हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर कहा कि हमें अंदर जाने दो। अकारण ही बिना कहे कृष्ण बलराम की ओर ग्वाल वालों की ओर पहलवान टूटने लगे, मल्ल युद्ध होने लगा। देखते देखते ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों ने उनका भी उद्धार कर दिया और आगे पहुंच गए, कंस के समक्ष पहुंच गए। और कंस को जैसे ही पता लगी अंदर आ गए हैं, घबरा गया, मंच पर बैठा था कांपने लगा और कहा कृष्ण बलराम से, अरे पापी और दुष्टों में तुम्हें जीवन दान देना चाहता हूं, भाग जाओ, बच के चले जाओ यहां से। मामा जी हमें बचना नहीं है, मरना है। अब आप ये बताओ, मारने के लिए आप ऊपर आ रहे हैं या मरने के लिए हम ऊपर आए, या आप नीचे आ रहे हैं हमको मारने के लिए। देखते देखते भगवान कृष्ण मंच पर चढ़ गए, मामा के केसों को पकड़कर नीचे डाल दिया। कभी कंस ऊपर कृष्ण नीचे, कभी कृष्ण ऊपर कंस नीचे। ब्रजराज से कहने लगे भैया कन्हैया इधर से गए, इधर से हाथ कहें पैर को कहें, भैया छोड़ मत देना,
युद्ध होने लगा, बहुत समय व्यतीत हो गया। बलराम जी घबरा गए, लगता है पापी दुष्ट मेरे भाई से मारा नहीं जा रहा। भैया कृष्ण अगर तुम कहें तो मैं आकाश से हल मूसलों को मरवाऊं। कि नहीं भैया, हल मूसलों की जरूरत नहीं है, इस दुष्ट को बताता हूं कि बाल कैसे घसीटे जाते हैं, खींचे जाते हैं। इसने भी मेरी मां के बाल खींचकर रथ से नीचे डाला था, इस दुष्ट को पता तो लगे। और देखते देखते भगवान कृष्ण ने कंस को ऊपर उठाया और ऊपर से पछाड़ करवा लिया। बोले रक्षवत्सल भगवान धर्म की, अधर्म का, नारियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, माता की, आज के आनंद की, आज के भक्तन की, आज के संतन की, जय जय श्री राम। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई, चारों तरफ देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, मंगल ही मंगल उच्चारण होने लगे हैं। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षा से कहते हैं, आई बड़े भाव बड़े प्रेम से, हो मुकुट सिर मोर का मेरी चोरी का, तो नैना 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 पानी जाऊं तेरी बाकी जाऊं तेरी बाकी जाऊं तेरी बाकी जाऊं तेरी पास मेरे आ जा तो है घरेलू में बाहों Thank you.
बांकी बिहारी नहीं कोलाल पारी बांकी बिहारी नहीं कोलाल पारी बांकी बिहारी नहीं कोलाल तुम सारा देखा होई पहले अदारी पहले अदारी पहले अदारी जमाने को भी सारी के जमाने को भी सारी के वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है, जब सच्चा मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। व्यासपीठ विराजमान परम पूजनीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सदैव वंदनीय, मुझे नहीं पता था कि महाराज श्री कथा के इतने रस रसिक हैं, इतने मजा ले लेकर कथा में डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं कथा की गहराइयों में, और आप सभी को भी बहा के साथ में ले जाते हैं। मैं महाराज श्री को अपने सिद्धेश्वरी महाकाली माता मंदिर और राधे राधे संकीर्तन मंदिर की ओर से शशत नमन करोड़ करोड़ वंदन करता हूं। इतने सुंदर ढंग के साथ कथा मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, कथा मैंने आपके आशीर्वाद आपका आशीर्वाद है आप मिलते रहते हैं, लेकिन आज जो आनंद कथा में आ रहा है, जो अमृत बरस रहा है, जो भक्ति रस की गंगा बह रही है, आज वाकई लग रहा है कि हम इसमें गोते लगा रहे हैं।
कुछ दानी सजों के नामक घोषणा करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमारे बीच रजनीश जी गोयल जो यहां पधारे हैं, मैं विनती करूंगा कृपया मंच पर आए और महाराज श्री का माल्यार्पण करें। श्री रामाकृष्ण गौ सेवा समिति तरसेम चंद जी भट्टे वाले, रमेश कुमार तिवेजा हबोर वाले, इन सभी से निवेदन है कृपया वे मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। 11,000 रुपए दीपक जी करनाल, जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें, बहुत बहुत साधुवाद। 31,000 रुपए भाई सुरेंद्र जी देवानी वाले, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, बहुत दूर से दान आया है। 11,000 रुपए भाई जगत जी मेरठ वाले, 5100 रुपए श्री राम निवास झोड़ कला दिल्ली से, और ताली थोड़ा ज्यादा हो जाए, 21,000 रुपए महेश चंद जी झांसी, 500 रुपए आलोकनाथ जी मोगा, 1,000 रुपए अश्विनी कुमारी जलंधर, और 2100 रुपए श्री रामकृष्ण गौ सेवा समिति, इन सभी का सहयोग आया है, बहुत बहुत साधुवाद। आज आपको पता है कि हमारे ठाकुर जी का विवाह होने वाला है रुक्मणी जी के साथ, रुक्मणी मंगल की रथा आएगी, बहुत ही सुंदर झांकी भी आपके सम्मुख आएगी, और हमारे रस रसिक महाराज श्री बहुत सुंदर दृष्टांत से बहुत सुंदर शब्दों में आपके सम्मुख इस कथा को रखेंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार जोर से कहिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले सतगुरु देव भगवान की। जी हे सदैव वज्र सुंदराणी, नमामि कृष्ण च मनोहरणी, समस्त भक्तानि नेष्यन्ति गोविंद दामोदर महादेवेति, गोविंद दामोदर महादेवेति, गोविंद दामोदर महादेवेति। मेरे परमात्मा ने उद्धार किया, पुष्पों की वर्षा हुई, धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ। बाबा नंद को पता लगी, बेटा को खुशी में उठा लिया, बेटा आज मान गया मेरा बेटा भगवान है, आप ही दुष्ट को मारना साधारण व्यक्ति का काम नहीं था, बेटा जल्दी चलो इस खुशी को चलकर ब्रज में मनाएंगे, तेरी मां बहुत उत्सव करेंगी, तरह तरह के भजन कीर्तन मंडल नृत्य सत्संग कीर्तन क्या क्या करेंगे पता नहीं, वो जाने बहुत इस खुशी को इजहार अपने तरीका से करेंगे, ब्रज में चलो। भगवान कृष्ण का बाबा ये तो आप जानते, मैं आपका भी बेटा हूं, वसुदेव देवकी का भी बेटा हूं, और बाबा ये तो पता है मैं तो सभी का हूं, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी बिन तैसी, परमात्मा सबके। कुछ दिन के बाद मैं जरूर आऊंगा मैया से बोलना कि मैया के दर्शन करूंगा आकर। बाबा बेहोश हो गए, ब्रजवासी बेहोश अवस्था में बाबा को लेकर गए, इधर से भगवान कृष्ण ने अपने माता पिताओं को जेल से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन को राजा का मथुरा का राजा घोषित किया, और कहा बेटा वसुदेव देवकी ने शिक्षा बहुत जरूरी है, आपने अभी शिक्षा प्राप्त नहीं की, भगवान कृष्ण ब्रज में रहे 11 वर्ष 56 दिन, ब्रजवासियों के साथ रहे, नंगे पैर गौ माताओं की सेवा की, सबके साथ समानता से रहे, कोई छोटे बड़े का कैसा भी भेद मेरे प्रभु ने नहीं किया। गुरु जी के शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाओ, उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा देते थे गुरु संदीपन जी, अविंत कापुरी जिसे उज्जैन कहते हैं, उज्जैन नगरी। अक्रूर जी के रथ में बैठा कर विदा कर दिया, बेटा पहले शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही रथ में बैठ कर गए, कच्चे पहले रास्ते होते थे, जंगलों से रास्ते होते थे, घनघोर जंगल से निकलकर रथ जा रहा था तो रोने की आवाज आ रही है, काका जी रथ को रोको, ये आवाज कहां से आ रही है रोने की, बेटे संसार है, यहां हर जीव रोने के लिए आता है, याद रखिए जिसने पृथ्वी पर पैर रख दिया, इसमें ऐसा अर्थ है कि यह आदमी रोता ही रोता है, क्योंकि जब जन्म होता है जीव का, भगवानों से 3 वस्तु गिफ्ट में देते हैं कि ये लेकर जा, काम क्रोध लोभ,
और इनके वसीभूत आदमी रोता ही रोता है, कोई काम के वसीभूत, कोई लोभ के वसीभूत, कोई क्रोध के वसीभूत, कोई लालच के वसीभूत है, हर आदमी होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई ना कोई चुवन दर्द सबके अंदर होता है। इस धरती में पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। कोई ना कोई कमी परमात्मा ने हर जीव के साथ छोड़ी है, कोई ना कोई कसर, कोई ना कोई दर्द हर इंसान के साथ है। ये संसार है, यहां हर जीव रोते हैं। किस किस के दुखों को दूर करोगे कृष्ण? भगवान ने कहा, काका जी जिनकी करुणा भरी पुकार मेरे कानों तक आ जाएगी, या जो जीव मेरे सामने आ जाएंगे, मेरे सत्संग में, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थों में, मेरे नाम में, मेरे कीर्तन में, चाहे किसी के दुख कष्ट दुख दूर हो या नहीं हो, उनको तो मैं जरूर 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 कर दूंगा राधे राधे। ये परमात्मा का वायदा है। जो परमात्मा के आगे आ जाते हैं, सने मुके हो जीव मोहे जब ही जन्म कोट अग्नासु तब ही। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे आगे आ जाता है, उसके समस्त पापों को कष्टों को मिल लेता हूं और अपनी भक्ति और अपनी कृपा उस जीव के ऊपर कर देता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रथ को रोको, रथ में से उतर कर गए एक ब्राह्मण के पुत्र हैं जिनका नाम था सुदामा। पैर में घातक कांटा लगा हुआ है, खून बह रहे हैं, रो रहा है, हे भगवान कोई मुझे आकर बचाए, हे प्रभु मुझे कोई बचाए। परमात्मा पहुंचे, भैया कौन है? मेरा नाम सुदामा है, गुरु जी के यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, कांटा लग गया। भगवान ने कहा मैं भी वहां जा रहा हूं, पर बाद में बात करेंगे, पहले आपके कांटे को निकालो। हाथ से कांटा निकालना चाहा, नहीं निकला। परमात्मा ने अपने पैर पर पैर रखवा कर और दांतों से उस कांटे को खींचा। राजन देखो तो सही, कितने बड़ी कृपा के दया के सागर हैं, अनजान के पैर में से परमात्मा मुख से कांटे को निकाल रहे हैं। दोनों की मित्रता हुई कि भैया आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता, में मथुरा से आया हूं, वसुदेव नंदन हूं, कृष्ण मेरा नाम है, भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, हमारी और तुम्हारी मित्रता कैसी? क्योंकि मित्रता और रिश्तेदारी बराबरी में चलती है, बराबरी में ही करनी चाहिए, बराबरी में ही होती है। बार बार मना करने के उपरांत भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया कृष्ण ने, भैया मैं अपनी ओर से मित्रता नहीं टूटने दूंगा, मैं कसम खा रहा हूं, सौगंध खाता हूं मित्रता की, मेरी ओर से नहीं टूटेगी। सुदामा बोले गरीब तो तोड़ेगा ही क्या, जब ऐसी बात है तो चलो हमारी और तुम्हारी मित्रता, परंतु मेरे हजम नहीं हो रही, कहां राजा भोज और कहां गंगू। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, मेरी ओर से नहीं टूटेगी। गुरु जी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए भगवान कृष्ण, 64 दिन में 64 विद्याओं को सीख लिया। सुदामा जी पढ़ाई में कमजोर थे, गुरु जी ने कोई काम दिया कि कल आपको ये पाठ सुनाना है, सुदामा खड़े होकर सुनाओ, मना कर दिया, मैंने याद नहीं किया, गुरु जी मेरे से याद नहीं हुआ। कि सुदामा तुम बहुत शरारत करते हैं, खाते बहुत हैं, लड़ते बहुत हैं और पढ़ते नहीं है, चलो जंगल से लकड़ी बीन कर लाओ, लकड़ी आपको लानी है, कृष्ण खड़े होकर सुनाओ। सोच करने लगे मेरे मित्र हैं, अकेले जंगल में कहां भटकेंगे, इससे तो अच्छा है थोड़ी सी गुरु जी से झूठ बोलकर मित्र का साथ निभाऊं। और बोल दिया गुरु जी आज मेरे भी याद नहीं है। वैसे बच्चे कम है यहां डब्बाली में, राधे राधे, नहीं जब कथा होती है ना बच्चे 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 देखते हैं। भगवान करे तो खूब हो, राधे राधे। हाँ अगली बार आऊं, चार चार मिले कम से कम, बच्चे तो देखते ही नहीं है, पता नहीं ट्यूशन गए हैं फिर। ठीक, राजपुरा में करी थी, बहुत बच्चे बच्चे थे, बच्चे बच्चे थे। तुम तो पूरा नहीं अच्छे हो हमारा।
करो, भगवान दो दिन और रुक जाइयो, बच्चा होने वाला है ना घर। भगवान कृष्ण ने भी कहा, गुरुदेव आज मेरे याद नहीं है। कृष्ण जी तुम क्या कह रहे हैं? हाँ, आप त्रिलोकी के नाथ होकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होकर आप याद रहे हैं? जाओ, तुम सुदामा के साथ रहकर तुम भी सुदामा जैसे हो रहे हो, लकड़ी बीनने के लिए जाओ। गुरु माता ने चना दे दिए, बेटा अभी खाना तो बना नहीं है, गुरु चना ले जाओ, रास्ते में भूख लगे खा लेना, जब तक तुम आएंगे भोजन प्रसाद बनाकर तैयार रखूंगी। लकड़ी बीनने के लिए गए, भगवान कृष्ण वृक्ष पर ऊपर चढ़कर लकड़ी तोड़ रहे हैं, सुदामा नीचे से एक चित्र कर रहे हैं। आंधी आ गई, तूफान आ गए, बरसात होने लगी, सुदामा जी को भूख लगने लगी और सुदामा जी के कुर्ता और कुर्ते के जेब में चने रखे हुए थे, निकालते हैं और कटर 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 खाने लगे। कन्हैया बोले, भैया ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? अरे भैया आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, उसकी आवाज है। भगवान अंतर्यामी जानते सब हैं, भैया ये आवाज कहां से आ रही? अरे कन्हैया तू आवाज फवाज इन पर ध्यान रख दे, अपने काम पे ध्यान दे, ऊपर से गिर पड़ेगा ना, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो यहां तक दवाई भी नहीं कराए। बस कर, उसके बाद तुरंत जितने भी चना थे सबको खा गए। नीचे भगवान कृष्ण आए, भगवान बोले, भैया भूख लग रही है, उन चनान को निकाल लियो। अरे भैया जल्दी चलो, अब तो घर चल के खाना खाएंगे, मधुकरी खाएंगे, रोटी खाएंगे, मैया ने बना ली होंगी रोटी ना। भैया भूख लग रही है, चनान को निकाल लियो, हमें चना दो, हमारे हिस्सा के चनान को दो। अरे भैया देखो गुरु जी कितनी अच्छी बात सुनाते थे, कल कितना चपाट पढ़ाया था, पर जन को माटी समझ, पर स्त्री मात समान, इतने में हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। भगवान बोले, उपदेश मत दे, बातन में मत लगा, मेरे सिर चना दे। गलेवान पकड़ लिया प्रभु ने, निकाल चना निकलो, सत्य बोलना पड़ा, क्योंकि सत्य छुपता भी नहीं है, कब तक छुपाओगे? क्यों चनान को तुम्हें खा गया कि मेरे हिस्से को भी खा गया? कि भैया भूख बड़ी बाबरी होती है कि भाई के हिस्से को भी खा जाती है, रिश्तेदारों से भी लेकर खा जाती है, मित्रों से दोस्तों से लेकर भी खा जाती है, जहां से मौका मिले वहीं से लेकर। हाँ, भगवान के मुख से शब्द निकल पड़े कि मेरे हिस्से को खा गया। गुरु ते कपटे मित्र ते चोरी, कै होए निर्धन कै होए कौड़ी। गुरु से मित्र से भाई से कैसा भी कोई छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, एक ना एक दिन या तो दरिद्र हो जाता है या ऐसे आपत्तियों के पहाड़ टूटते हैं, वो समझ नहीं पाता है। याद रहे, भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए, रिश्तेदारी का, मित्र का, क्योंकि जो भी कुछ हमारी नियत पर निर्भर करता है, अगर हमारी नियत खराब हो जाती है तो सब कुछ खराब, और हमारी नियत सही है, गरीबी भी आ जाती है, कष्ट भी आ जाते हैं, दुख भी आ जाते हैं, सबके रास्ते हैं, हो सकता है भाई की नजरों से बच जाएं, रिश्तेदारों की नजरों से बच जाएं, भाग जाएं, परंतु परमात्मा की नजरों से कोई बच नहीं सकता है। बिन पद चले ही सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे ही बिना ना। आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा बढ़ाएंगे, परमात्मा की कृपा से बढ़ेंगे, घटाएंगे तो परमात्मा घटाएंगे। ईश्वर को मत भूलो और किसी के साथ धोखा करने की सोचो मत। भगवान ने कहा, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। सुदामा ने कहा, भैया इसीलिए मैं कह रहा था, आपने जंगल में तोड़ा है दोस्ती को, और जंगल में ही तोड़ दिया, जंगल में ही जोड़ा था आपने, वही किया जो मैं सोच रहा था, छोटे बड़े की मित्रता नहीं चलती, मैंने हजार बार मना किया था। भगवान ने हंसकर कहा, सुदामा मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तेरे जैसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, जीव जैसे कर्म करता है केवल फल देता हूं, अच्छा करता तो अच्छा और बुरा करता तो बुरा। जो मूर्ख लोग होते हैं बुरे करने वाले, जब उनके साथ जब बुरा होता है तो सोचते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जबकि प्रभु किसी के साथ अन्याय करते ही नहीं है। कौन काऊ सुख दुख कर दाता,
निजीकृत कर्म है भोग सब पाता। जो जीव जैसे बीज बोता है वैसा फल उसे मिलता है। आम बोते हैं तो आम मिलते हैं, गेहूं बोएंगे गेहूं मिलेंगे, कांटे बोएंगे तो पपीता, बोलो ना, कांटे बोएंगे कांटे मिलेंगे, फल बोएंगे फल मिलेंगे। और शास्त्र कहते हैं जो तो कू कांटा बवे ताकू बोतू फूल, तो कू फूल के फूल है वाकू है त्रिशूल। कोई बुराई भी हमारे साथ करे, अन्याय भी हमारे साथ करे, तो भी हमें उसके साथ भलाई करनी चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारे साथ अच्छा ही होगा, बुरे करने के वाले के साथ ही बुरा होगा। देर हो सकती है पर परमात्मा के पास अंधेरे नहीं है। गुरु जी के यहां आए, भगवान 64 दिन में 64 विद्याओं को प्राप्त करके चलने को तैयार हुए। गुरु जी से कहा, गुरुदेव मैं क्या सेवा करूं कि तुम्हारी मां अज्ञान में डूबी हुई है, इनके 6 पुत्र मारे गए हैं, उनके दर्शन करा दो। भगवान ने अपने योग माया से उन पुत्रों के दर्शन कराए और कहा, कितनी बार तुम्हारे शत्रु बने मित्र बने, तुम इनके बच्चे बने, ये तुम्हारे बने, ये संसार सागर है, इसलिए संसार में मन मत लगाओ, मां परमात्मा की भक्ति करो। उनको वरदान दिया, चलने को तैयार हुए। सुदामा रोने लगे कि भैया एक बार और मिल जाओ। जाते वर भगवान कृष्ण सुदामा से मिलने लगे, सुदामा रोने लगे, भैया मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा, मैंने कोई बुरा किया ही नहीं है, जो जीव जैसे कर्म करता है मैं वैसा फल दे देता हूं, फिर भी कोई आपत्ति आए कष्ट आए दुख आए तो मेरा दर 24 घंटे खुला है, मेरे दर पर आ जाना, तेरे इस दुख को इस कष्ट को भी दूर कर दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, इसको भी कर दूंगा। और कि भैया अभी घर बुलाने की जरूरत है, अभी घर बुलाकर और मेरे साथ कोई सलूक करना चाहता है, कोई ऐसी करना चाहता है, ठीक है। जब सारे दुनिया के रास्ते बंद हो जाएंगे, जब सोचूंगा तेरे दर पर आने की, और हम चलते ही परमात्मा के दर पर जब हैं, जब चारों तरफ से हम घिर जाते हैं, दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं, अंत में चलते हैं। परंतु सद्गुरुदेव स्वामी तो ये कहते हैं, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करें तो दुख काय को। मथुरा में आए भगवान कृष्ण, सुदामा जी की कथा कल सुनाई जाएगी, बड़े प्रेम बड़े भाव से कल आ पाएंगे। और देखिए हमारे बांके बिहारी का मन यहां बहुत ही लगा है, और इतना लगा है बिहारी जी की ओर से संकेत आया है कि यहां बिहारी जी का मंदिर भी गब्बाली में बनेगा। बड़े बांके लाल जी, और नवरात्रों में भूमि पूजन भी होगा। मैं नहीं कह रहा, बिहारी जी जो कहते हैं मैं तो यही कहता हूं, मेरा काम कहने का, करने वाले तो इनका ही काम होता है, यही करते हैं। और मेरी दिल की इच्छा है, उस दिन बहुत मातम बहन रह गई थी, लड्डू गोपाल उनको नहीं मिले थे, कल अपना नाम और फोन नंबर पर्ची पर लिख लिख कर जिनको लड्डू गोपाल चाहिए, जो पूजा करना चाहते हैं वो अपना दे दें, जिससे फोन करके मैं वृंदावन से लाऊंगा, और आप सबको चाहे कोई भी और कितने भी क्यों ना हो, सबको लड्डू गोपाल मिलेंगे। बुरबा के लाल की, कल कागज पर अपना नाम फोन नंबर, जिससे जैसे आएंगे फोन करके आपको दिए जाएंगे। भगवान पहुंचे हैं मथुरा में, मैया ने भोजन प्रसाद बनाए उनके लिए, महली बेटा तुम कर रहने का है, उनकी मित्रता कराई। उद्धव जी महाराज हैं, गुरु बृहस्पति जी महाराज के परम शिष्य हैं, कि तुम्हारी दोनों की मित्रता है, कोई भी बात हो अपने मित्र से कह लेना, हंसी की मजाक की, बहुत बात माँ बापों से नहीं कही जाती है, तो आपस की बात कैसे भी इनसे कर लेना। भोजन रखकर चले गए वसुदेव जी महाराज, बेटा तुम भोजन प्रसाद पाओ, मैं गरम गरम मधुपुरी लेकर चपाती लेकर आता हूं। पानी का गिलास लोटा तुलसीदल सब कुछ रख दिया, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। वसुदेव देवकी ने जन्म तो दिया है पर इतना स्नेह इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम डब्बाली में राधे 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 राधे, पीछे से भी राधे राधे। मुझे तो पता ही नहीं, बताया नहीं महेंद्र जी ने, 5 साल से वैसे निकाल दिए राधे राधे, कि यहां प्रेम की दरिया प्रेम की नदियां बह रही हैं। रतन जी की भी गलती है, आपने इतना नहीं बताया कि इतना अच्छे है, इतनी अच्छी हमारी यहां की डब्बाली की संगत है,
मनीष सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षा से कहते हैं, राजन रोने लगे मेरे प्रभु। वसुदेव आए, देवकी आई, उनके मित्र को बुलाया उद्धव को, लाला रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं पूछो तो सही। उद्धव ने कन्हैया से पूछा, कृष्ण बड़ा आश्चर्य हो रहा है, त्रिलोकी के नाथ, ब्रह्मांड के नायक, सृष्टि की रचना करने वाले, संहार करने वाले, पालन करने वाले, चाहे तो करोड़ों ब्रह्मांड पलवल में प्रकट कर दें, बना दें, चाहे तो पलवल में प्रलय कर दें, और आप रो रहे हैं जो सब कुछ करने वाले हैं। मुझ सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी, जल के अंदर मछली कहे मुझे प्यास लग रही है, तो बड़े आश्चर्य की बात है, जल के अंदर भी प्यास, मुंह खोल तभी पानी, हर श्वास में पानी, बड़ी आश्चर्य की बात है। त्रिलोकी के नाथ होकर, सर्वण संपन्न सब कुछ देने वाले होकर, सब कुछ सुलभ करने वाले होकर भी आप रो रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्यों रो रहे हैं? मुझे ब्रज की गोपिन की याद सता रही है, मां यशोदा की याद सता रही है, गौ माताओं की, मोरों की याद सता रही है, बंदरों की याद सता रही है, ब्रज के लता पतन की मुझे याद आ रही है। उद्धव बोले, रे कमाल कर दिया, उन गोपिन के लिए जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, कोई बोलना जानती नहीं, कोई पहनना जानती नहीं, कोई सहूलियत नहीं, चार चार दिन तो नहाती नहीं है, राधे राधे हाँ वैसे ही लगा लें, राधे राधे बिना नहाए, उनके लिए कुछ ज्यादा ही जोर ना है लिपस्टिक पर, दुनिया के फोन आ रहे, गुरु जी क्या वहां फैक्ट्री है क्या, इस चीज की फैक्ट्री है, राधे राधे, पीछे से भी राधे राधे, हाय रब्बा। पत्र दिया कि इस पत्र को उन तक पहुंचाओ, उद्धव इसके बारे में आप जान नहीं सकते, एक बार जाओ तो सही, देखो तो सही, ये तो प्रेम की बातें हैं उधर, तो प्रेम की बात है उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, होते ही सब यहाँ होते हैं, इतने प्रेम की बात प्रेम वाला में कर पूजा, उनकी पूजा में सुन प्रेम वालों उनकी पूजा में सुन रहे हो,
सर्वकाले की फुर्सत नहीं है, मजूरों ने मोहन सनाया, नजर फिर तरस सुनाई, बात है
भाई राजे राजे बोलना पड़ेगा भाई, तो भाई जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच सतीश गल्होत्रा गिदड़वा वाले यहां पहुंचे हैं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कृपया वे मंच पर आए और हमारा शिव को माल्यार्पण करें। सतीश जी गल्होत्रा गिदड़वा महेंद्र गल्होत्रा मोहाली से महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। महेंद्र गल्होत्रा मोहाली दीनदयाल जी गर्ग हरबंस राज बीटी वाला इनसे भी निवेदन है कृपया वे भी मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। 500 रुपए राजेंद्र कुमार जी गर्ग जो हमारे शहर की शान है 500 रुपए सहयोग राशि दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। 200 रुपए गौरव सिंगला इनकी भी ओर से सहयोग राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वाक्य बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। दान पुण्य को टिन किए तीर्थ किए हजार, दान पुण्य को टिन किए तीर्थ किए हजार, जब तक गुरुवर ना मिले सब कुछ है बेकार, जब तक गुरुवर ना मिले सब कुछ है बेकार। आप सबको बधाई होगी कि आज गुरुजी ने बताया कि मैं जिन्होंने गुरु दीक्षा लेनी है रविवार को सुबह गुरु दीक्षा देंगे, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए कल कथा के मध्य में आपको बताया जाएगा। कुछ दानी सज्जनों की सूची हम आपको बताते हैं, जब उसमें कुछ हमसे चूक हो जाती है क्योंकि इतना शोर होता है कथा के दौरान फोन आते हैं, तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिनके नाम बोलने में हमसे चूक हो जाती है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपका नाम ठीक से बोला जाए। जिन दानवीर दान करने वाली माताओं बहनों के नाम है मैं आपको बता दूं, श्री गीता जी श्रीमती गीता जी रंगा 1100 रुपए दे रहे हैं दिल्ली से, मिस्टर करण चुचरा ओबीसी लोगड़ बैंक से दे रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। श्री सतीश जी सैनी पानीपत से 11000 रुपए दे रहे हैं, इनका भी धन्यवाद है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सुदेव जी महाराज राजा कहते हैं, उद्धव जी महाराज पत्र को लेकर आए, ब्रज की गोपियां भगवान की याद में ऐसे रो रही थी कि पनारे बह रहे थे, नालियां बह रही थी आंसू पात्र से। समझाया, पत्र दिया, गोपियां टूट पड़ी पत्र पर, कृष्ण मेरे लिए क्या लिखा है, श्याम ने मधुसूदन ने मुरारी, घनश्याम चित्तचोर नटवर नागर गिरवर धारी ने मेरे लिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, उस पत्र को बोलो ना, फाड़ दिया, छोटे छोटे टुक हो गए। उद्धव जी के ज्ञान की एक परत हट गई, वह बहुत बड़े ज्ञानी बनते थे। समझाया, गोपियों क्या कर रही हैं, ये कोई भक्ति नहीं है, आप अंधी हो गई, लंगड़ी हो गई, पागल हो गई, भक्ति नहीं है। कोई कीर्तन करती थी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव, ये कोई भक्ति नहीं है। वो योगी थे, वो योग पर विशेष ध्यान देते थे। कैसे नहीं, ऐसे होती है भक्ति, ऐसे होती है। बैठो, मुझे तुम्हें ज्ञान देने के लिए उद्धव ने भेजा है। गोपियां बोली, उद्धव किसको ज्ञान दोगे, किसको ज्ञान सुनाओगे, कि आपको, कि हमने सुना है मन एक होता है। मन कितने होते हैं जी, बोलो ना, एक तो पहले होता था जी, अब दो होते हैं, एक उनके लिए और एक उनके लिए। उद्धव मने ना भाई 10-20, एक होते हो सो गए श्याम संग, कौन आराध है ईश, उधो मन ना भय 10-20।
एक मन था और वो हमारे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के साथ चला गया। यह काया काया शेष है, हमें खुशी है, हम उसका नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, हमें खुशी इस बात की कि हमारा मन उनके चरणों में है, हमारी लगन उनसे लगी हुई है, चाहे हम कहीं भी हैं, भगवान के चरणों में हमने अपने मन को भेंट कर दिया था। मधुबन में जब महाराज हुआ, देवताओं की पत्नियां गिफ्ट लेकर आईं, कोई कुछ लाई, कोई कुछ लाई, कोई कुछ लाई, ब्रज की गोपी बेचारी भोली वाली थी, कुछ जानती नहीं थी, वहां पहुंच गई, जब सब दे रहे थे, नारद जी की तरफ गए, ये क्या हुआ, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हमें कुछ लेकर आते, कि कोई बात नहीं है, भगवान तो प्रेम के भाव के भूखे हैं, कुछ भी अर्पण कर दो। तो ब्रज की गोपियों ने अपना मन, अपना चित्त, अपना वृत्ति ही परमात्मा को अर्पण कर दिया था और कहा, हमने अपना मन परमात्मा को अर्पण कर दिया, बुद्धि अर्पण कर दी, और जैसे ही हमने परमात्मा को अपना सर्वस्त्र अर्पण किया, परमात्मा की इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा वर्षी कि उस कृपा का इतना ब्याज बढ़ चुका है, हम लाख कोशिश करें उस ब्याज को भी उतारने की, तो भी हम उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। कि मन हमें गिरवी रखो श्याम सुंदर के पास, मूल ब्याज इतनो भयो अब ना छूटन की आस। इतनी कृपा बढ़ी है और सत्य है, परमात्मा ने जीवन दिया है, भारतवर्ष में दिया है, अच्छे परिवारों में दिया है, सब कुछ संपन्न होते हुए भी अगर हम उससे दूर हो जाएं, उसको भूल जाएं, उससे दूरी बने, तो इससे बढ़कर दुख की कोई बात नहीं होती। गोपियों ने कहा, हमको सब कुछ मिल गया, ठग कहो, ठाकुर कहो, चाहे कहो कोई चोर, बिना प्रेम री जय नहीं मेरो नटवर नंद किशोर। उद्धव जी महाराज देख रहे हैं गोपी कैसे भजन करती हैं, कैसे ध्यान करती हैं, और कहा तुम अंधी हो रही, पागल हो रही, भक्ति नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ी भक्ति है शरीर स्वस्थ होना। दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलक्षण नारी। ये कुछ सुख की परिभाषा है बुजुर्गों की, ये कोई भक्ति नहीं। उद्धव जी ठहरे, देखता हूं कैसे भक्ति करती हैं। तो गोपियां खाना बना रही, तो खाना बनाते बनाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, दूध बिलो रही है, मक्खन निकाल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, झाड़ू लगा रही, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ी देर के लिए आप भी ब्रज की गोपी बन जाओ, हां बन जाओगे ना। और हमारे बाबा रामदेव योग कराते हैं, आपको पता होगी उनका है योग, और हमारी ब्रज की गोपियों ने चलाया था ये भक्ति महायोग। इसमें भक्ति भी है, योग भी है, परिवार का भी काम होता है, और बहुत लाभ है इस योग के, भक्ति महायोग के। आप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सरों को ढकने पहले तो अगर करना है तो आपको, हां बड़ा आनंद आएगा, और नींद भी बड़ी मीठी आएगी आज, और आपको ऐसे ही करना है जैसे हमारी ब्रज की गोपी करती थी ना, काम करते करते मेरे साथ साथ वैसे ही करना है। गोपियां रोटी बना रही है, रोटी बनाते हुए हाथ चल रहे हैं, इधर से तो खाना बन रहा है प्रभु का प्रसाद, इधर से मुख से निकल रहा है परमात्मा का नाम, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज दूसरे घर में गए, एक गोपी दूध निकाल रही है गौ माता से, इधर से दूध निकल रहा है गौ माता से, इधर से परमात्मा रूपी अमृत निकल रहा है मुखार बिंदु से, आइए दूध में निकाले, हाँ प्रेम से निकालिए, परमात्मा नाम का अमृत है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है, निकालो जितना निकाला जाए, लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब, हाँ आइए बड़े प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे महाराज तीसरे घर में गए, सास लड़ रही है बहू से, बहू आटा भी पीसना है,
सास के कारण बेचारी बहू चाकी पर बैठ गई। पहले चाकी होती थी ना, थोड़ा चाकी भी चलाइए, इससे दो फायदा है, आटा पिसेगा, परमात्मा का कीर्तन होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, और पास में पड़ोसन बैठी हो ना श्री कृष्ण, हाँ कोई एफ आई आर दर्ज नहीं होगी, बड़ा आनंद है परमात्मा के नाम में, तो आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सासु बोली भाऊ अरे काली माता मंदिर में भागवत चल रही है, सत्संग चल रहा है, एक आधे नहा के कम से कम दर्शन तो करे, मथा तो टेक गया। सास के डर के कारण गोपी स्नान कर रही है और नहाते हुए परमात्मा का नाम ले रही है। नहाते समय जो परमात्मा का नाम लेते हैं उन्हें गंगा स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है। आई बड़े प्रेम से डुबकी लगाते हैं और श्री कृष्ण को हरे मोरा बताले पापों को हाय रब्बा, आज तो नहा लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण राधे राधे दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने बहुत खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। मंत्र विज्ञान जहां पर आपके हर दिक्कत हर परेशानी का होता है समाधान इंद्र कवच के माध्यम से। अब इंद्र कवच की तारीफ मुझे लगता है कि मुझसे तो खैर अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करके भी करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे इंद्र कवच की तारीफ करने में। तो चलिए आप लोग जो इंद्र कवच मंगाना चाहते हैं, इंद्र कवच के बारे में जानना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आप लगातार देखिए क्योंकि ये प्रोग्राम आपके हर सवाल का जवाब आपको देगा और आपको ये बताएगा कि इंद्र कवच आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्र संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज जो इंद्र कवच के रचयिता भी हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुखम नस्तम नमामि हरि परम समस्त संकोट को नमन वंदन। इस ज्ञान की गंगा में कृपा के सागर में हरि की चर्चा में दिव्य सत्संग में आपका स्वागत है। दर्शकों ये कार्यक्रम परमात्मा की कृपा को आपके हृदय तक, आपके घर तक, आपके मन तक, आपके जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। परमात्मा की शक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। परमात्मा नाम की महिमा का जो आनंद है उस आनंद में डुबकी लगाने का प्रयास आपको किया जाता है कि आप भी एक बार इसमें डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं।